गुड मॉर्निंग क्लास, माई नेम इज़ अनु मैरा। टूडे विल डिस्कस्ड अबाउट द इलनेस ऑफ बेबी, ठीक है, सिम्टम्स दैट इलनेस ऑफ बेबी। ठीक है, कल हमने हाफ टॉपिक किया था, ठीक है, अब उसका हाफ है ये, ठीक है। और इस सब्जेक्ट आपका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक नीड ऑफ बेबी का टॉपिक है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ अस्थमा, ठीक है। अस्थमा का मतलब होता है जब बच्चे को क्या है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, मतलब कम ऑक्सीजन सप्लाई होती है। प्लीज़ ऑल्सो रेफर टू द ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी गाइडलाइन फ्रॉम विद द इन्फॉर्मेशन टेबल 3 इज टेकन, ठीक है। जो टेबल 3 में दिया गया है वही नीचे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करके दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, चिल्ड्रन विद लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा और SpO2 94% शुड रिसीव हाई फ्लो ऑक्सीजन वाया टाइट फिटिंग फेस मास्क और नेजर कैनोला एट सफिशियंट फ्लो रेट्स टू अचीव नॉर्मल सेचुरेशंस, ठीक है। इसमें बताया गया कि जब चिल्ड्रन को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या है, ऑक्सीजन दी जाती है जिसमें क्या है, टाइट फेस मास्क होता है बच्चे के नोज़ एंड इतने माउथ पे, ठीक है, आपने देखी होगी ऑक्सीजन लगी हुई, ठीक है, फेस मास्क और नेजल कैनुला होता है एंड सफिशिएंट उसमें फ्लो दिया जाता है बच्चे को ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। नेबुलाइज बीटा 2 एग्नोस्ट शुड बी गिवन फॉर द अक्यूट सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा। नेबुलाइज होता है जिससे भाप देना, स्टीम देना, ठीक है, वो बच्चे को दी जाती है बीटा 2 एग्नोस्ट, ठीक है, देनी चाहिए बच्चे को। एंड नेक्स्ट है गिव नेबुलाइजर बैक टू बैक, मतलब बार बार थोड़े थोड़े टाइम पर उसको नेबुलाइज करना चाहिए विद इप्राप्रोप्रियम ब्रोमाइड एडेड टू सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। उसमें क्या है, इसमें इस नाम की मेडिसिन जो लिक्विड में आती है, ये मेडिसिन वो उसमें डाली जाती है, ठीक है। कितनी जानी, 250 mcg डोज मिक्सड विद नेबुलाइज्ड बीटा 2 एग्नोस्ट सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके उसको, मतलब उसको दी जाएगी बच्चे को, ठीक है, जो 5 ईयर से नीचे है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा, अगर मॉडरेट अस्थमा है जैसे माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर, ठीक है, अगर सेकंड स्टेज है तो उसमें क्या है, बीटा 2 एग्नोस्ट शुड बी गिवन इंक्रीजिंग बाय 2 पफ्स, ठीक है, उसको थोड़ा इंक्रीज किया जा सकता है एवरी 2 मिनट्स अप टू 10 पफ्स अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे बच्चे को जब नेबुलाइज करना है तो उसमें क्या है, बच्चे का रिस्पॉन्स देखना है कि कैसा है, ठीक है। गिव प्रीडनिसोलॉन अर्ली 20 mg फॉर 2 to 5 ईयर्स ओल्ड एंड 30-40 mg फॉर ओवर 5, ठीक है। जो तो 20 mg देनी है जो 2 to 5 ईयर्स में है, और जो ओवर 5 पे है उसको क्या है, हम 30-40 mg दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या, चिल्ड्रन हु हैव नॉट इम्प्रूव आफ्टर रिसीविंग टू 10 पफ्स शुड बी रेफर टू हॉस्पिटल। अगर बच्चा क्या है, उसको हम नेबुलाइज कर रहे हैं, 10 पफ्स दे रहे हैं उसमें, ठीक है, तो बच्चा नहीं इंप्रूवमेंट कर पा रहा है तो उसको हमें हॉस्पिटल में रेफर करना चाहिए। फर्दर डोसेज ऑफ ब्रोंकोडायलेटर शुड बी गिवन नेसेसरी वाइल अवेटिंग ट्रांसफर। जब बच्चे को क्या है, फर्दर डोज हमें ब्रोंकोडायलेटर की देनी चाहिए बच्चे को, ठीक है, और वो क्या है, मतलब बच्चे के लिए, मतलब कि नेसेसरी है। चिल्ड्रन हु आर ट्रांसफर टू हॉस्पिटल बाई एम्बुलेंस, जिस बच्चे को एम्बुलेंस के थ्रू, मतलब बच्चे को ट्रांसफर किया जाता है हॉस्पिटल में, शुड बी ट्रीटेड विद ऑक्सीजन नेबुलाइज, उसको क्या है, ऑक्सीजन और नेबुलाइज किया जाता है विद बीटा 2 एग्नोस्ट ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है। ड्यूरिंग द जर्नी मतलब जब एम्बुलेंस में वो जा रहा होता है तो उसको ऑक्सीजन नेबुलाइज वो दोनों दिए जाती हैं, ठीक है। द फॉलोइंग क्लिनिकल साइन शुड बी रिकॉर्डेड, ठीक है, क्लिनिकल साइन हमने क्या क्या है, बच्चे के वाइटल साइन कौन कौन से लेने हैं, पल्स रेट उसकी चेक करनी है, ठीक है, मैंने पल्स चार्ट आपको बताया था, तो एज के अकॉर्डिंग उसकी जितनी जितनी मतलब नॉर्मल है उसके उसके थ्रू मतलब उसको काउंट करना है। पल्स रेट इंक्रीजिंग द टैकीकार्डिया जनरली डिनोट वर्सनिंग अस्थमा फॉल इन द हार्ट रेट लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा प्री टर्मिनल इवेंट, ठीक है। रेस्पिरेट एंड डिग्री ऑफ ब्रीथिंग लेसनेस, ठीक है, इसको चेक करना है। यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, अमाउंट ऑफ वीजिंग देखनी है उसकी, वीजिंग मतलब चेस्ट की जैसे आवाजें देखनी है कि कैसे है। डिग्री ऑफ द एग्रेशन कॉन्शियसनेस लेवल, उसका चेक करना है कि बच्चे को होश है कि नहीं, वो कुछ समझ पा रहा है, बोल पा रहा है, कुछ बता पा रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं, ठीक है। ये था अस्थमा। नेक्स्ट वन है ब्रोंकियोलाइटिस, ठीक है। द फॉलोइंग इज टेकन फ्रॉम द साइन क्विक रिस्पॉन्स गाइड ऑन ब्रोंकियोलाइटिस, प्लीज सी द साइन वेबसाइट फॉर द फुल गाइडलाइन यूजफुल पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट। रेफर अर्जेंटली एन एंड फैट विद अक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस सस्पेक्टेड अक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस इफ देयर एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। बच्चे को क्या है, ठीक है,
इसमें फॉलोइंग स्टेप्स आते हैं। साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूज कलरेशन, मतलब कि बच्चे की बॉडी जो है वो ब्लू होनी शुरू हो जाती है। क्यों? ड्यू टू मतलब उसकी मतलब बॉडी में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, उसको साइनोसिस बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ ए हिस्ट्री ऑफ एपनिया, ठीक है। हिस्ट्री मतलब कि अगर पहले उसको मतलब ब्रीथिंग की प्रॉब्लम रही हो, एपनिया उसको बोलते हैं, जैसे टेम्परेरी ब्रीथिंग उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ नेजल फ्लारिंग, ठीक है, नेजल मतलब नोज एंड स्वेयर चेस्ट वेल रिसेशन, मतलब कि बच्चे को क्या है मतलब कि जैसे चेस्ट में जैसे आवाज़ें आनी, थोड़ी साउंड क्रिएट होनी, ठीक है, मतलब जैसे बोल सकते हो रेशा वगैरह हो जाता है, वो पुअर फीडिंग लेता है बच्चा, ठीक है, अच्छे से फीड नहीं कर पाता है, लेथार्जिक हो जाता है, जैसे लेथार्जिक हो जाता है बिल्कुल, मतलब डाउन हो जाता है, अनकॉन्शियस लेवल, रेस्पिरेटरी रेट उसका लेस देन 70 हो जाता है, ठीक है, पर मिनट, ऑक्सीजन सेचुरेशन 94% और लेस भी हो जाते हैं, अनसर्टेनेट रिगार्डिंग डायग्नोसिस, ठीक है। ये सब कुछ क्या है मतलब धीरे धीरे जो क्या है सब कुछ मतलब इन लेवल होना शुरू हो जाते हैं। टेकिंग इट अकाउंट वेदर दैन फाइंड इन द अर्ली स्टेज इन द इलनेस इन लाइक टू वॉश ओवर द फर्स्ट फ्यू डेज, ठीक है, फर्स्ट फ्यू डेज में तो वो ज़्यादा ही बढ़ जाता है। द थ्रेशोल्ड फॉर हॉस्पिटल रेफर शुड बी लोअर इन द दोस आर लेस दैन 3 months ओल्ड, जो बच्चा है इतनी उम्र का, एक छोटा बच्चा हो तो जो फटाफट उसको क्या है हॉस्पिटल के रेफर करना चाहिए। दोज बोर्न एट फ्यू 35 week gestation, दोज विद मतलब कि दोज वो ना फ्यूअर 30, जैसे कि मतलब अगर वो जैसे अब बोल जैसे ना 9 months में 30 weeks पहले 35 weeks से पहले ही अगर मतलब थोड़ा मतलब उसका बर्थ हुआ हो तो उसको क्या है कंजेंटल कार्गेट लंग डिजीज की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है निमोनिया, ठीक है, निमोनिया का भी आपको पता ही होगा चिड़ क्या होता है। चिल्ड्रन विद निमोनिया मोर अनवेल एंड टेंड हाई टेम्परेचर देन दोज विद माइनर रेस्पिरेटरी इलनेस। निमोनिया क्या होता है, इसमें क्या बच्चे को हायर टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, एंड इसमें क्या रेस्पिरेटरी इलनेस मतलब उसको ब्रीथिंग लेने में भी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। एंड दे मे नॉट हैव कफ इन द अर्ली स्टेज, ठीक है, जब अर्ली स्टेज होती है उसमें तब उसको कफ नहीं होती है, एंड मे प्रेजेंट विद फीवर एंड वॉमिटिंग। फर्स्ट स्टेज में क्या है बच्चे को निमोनिया में क्या फीवर हो जाता है, वॉमिटिंग आती है, एंड उसके पेट में दर्द होती है, एब्डोमिनल पेन, दे आर ओपन ऑफ फीड्स, ठीक है, वो क्या फीड नहीं अच्छे से लेते हैं। दे मे नॉट बी पॉसिबल टू लोकलाइज द साइट ऑफ द निमोनिया साउंड एंड ट्रांसमिट ऑल ओवर अ स्मार्ट चेस्ट, बच्चे का क्या है मतलब निमोनिया होता है पर उसकी चेस्ट में क्या है अच्छे से जो मतलब कि साउंड्स हैं वो मतलब कि क्या जैसे बोल सकते हो कि साफ पता लग जाती हैं, चेस्ट में वो पास आउट होती रहती है, ट्रांसमिटेड हो रहती है। चिल्ड्रन विद सस्पेक्टेड निमोनिया हु नीड रेफर टू हॉस्पिटल दोज आर द वॉमिटिंग नॉट एबल टू टेक एडिक्वेट फ्लूइड, ठीक है, बच्चे को क्या है जब निमोनिया होता है तो वो उसको क्या है मतलब हॉस्पिटल में मतलब कि हॉस्पिटल की रेफरेंस की ज़रूरत होती है, और वो वॉमिटिंग करता है और वो बिल्कुल भी एबल नहीं होता कि वो फीड ले पाए, और नीडिंग उसको क्या है ऑक्सीजन की नीड होती है। एज विद अदर इलनेस फैमिलीज हू मे नॉट एबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट ऑब्जर्वेशन एट होम और मे नॉट एबल टू असेस हेल्प क्विकली शुड ऑल्सो बी रेफर्ड, ठीक है। एज विद अदर इलनेस अगर बच्चे को कोई और भी इसके साथ प्रॉब्लम आ रही है तो फैमिली को क्या है फटाफट फैमिली मतलब अच्छी उसको केयर नहीं घर पे दे पा रही तो उसको फटाफट हॉस्पिटल में रेफर कर देना चाहिए, ठीक है। एंड अपर एवे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है, ठीक है, ये वाला नहीं करना है। नेक्स्ट है चॉकिंग, चॉकिंग हमने पहले भी की हुई है, चलो हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है द फॉलोइंग इज ब्रीफ रेफरेंस ओनली, ऑल स्टाफ शुड हैव बेसिक लाइफ स्पोर्ट, इसमें क्या है बच्चे को बेसिक लाइफ स्पोर्ट ट्रेनिंग दी जाती है अकॉर्डिंग टू द सर्जरी रिक्वायरमेंट। अ चाइल्ड हु इज टेकिंग और क्राइंग इज अनलाइकली टू हैव सिग्निफिकेंट एवर ऑब्स्ट्रक्शन बट दिस कैन चेंज क्विकली फॉर ऑब्जेक्टिव दिस लॉस, ठीक है। इसमें क्या है बच्चे को क्या है बच्चा क्या है मतलब जो बच्चा टॉकिंग करता है क्राइंग करता है एंड इसको में क्या है इसकी एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई फॉरन ऑब्जेक्ट है फिर कुछ ऐसे अंदर ले जाता है वो, ठीक है, और उसके क्या लंग्स में क्या ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है मतलब कि एक्स्ट्रा हवा चली जाती है अंदर। एनी चाइल्ड विद साइन ऑफ डिस्ट्रेस हो जाती है, ड्रॉसीनेस और साइनोसिस हो जाता है, कॉन्शियसनेस लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है एंड उसको एमरजेंसी ट्रीटमेंट की मतलब कि ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट है इसके साथ ही क्राउप, इसमें क्या है ट्राई टू कीप द चाइल्ड एंड पेरेंट्स एज काम पॉसिबल, बच्चे को क्या है पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को काम करे। क्राइंग इंक्रीज द वर्किंग ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, अगर वो ज़्यादा ही रोएगा तो इससे क्या है उसको ब्रीथिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। कीप द चाइल्ड अपराइट और इन द मोस्ट कम्फर्टेबल पोजिशन फॉर दैट, बच्चे को क्या है जो हेड है उसको अपराइट कर देना चाहिए और इससे क्या उसको कम्फर्टेबल थोड़ा सा फील होगा। ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस एज मच पॉसिबल, ठीक है, उसका डिस्टेंस को क्या है पॉसिबल मतलब ऑब्जर्व करना चाहिए। लुक फॉर नेक रिएक्शन
रिट्रैक्शन चाइल्ड इज प्रोवाइडिंग द ओन जार ट्रस्ट, ठीक है, बच्चे को क्या है इस चीज़ से नेक मतलब उसको ऊपर को कर देना चाहिए, ठीक है, गिव पेरेंट ऑक्सीजन ट्यूबिंग टू होल्ड, ठीक है, बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी चाहिए, लिसन फॉर स्ट्रीडोर ऑब्स्ट्रक्शन इज मोर स्वेयर इफ द स्ट्रेड इज एक्सप्रेशन एज वेल एज इंस्पिरेशन, ठीक है, मतलब क्या है मतलब उसको प्रॉब्लम होगी तो बच्चे को देखना चाहिए, वॉच द एफर्ट्स ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग के एफर्ट्स देखने चाहिए कैसे ब्रीथिंग रह रहा है, इफ देयर आर साइन ऑफ द इंपेडिंग कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, अगर क्योंकि मतलब कि साइन दिख रहे हैं कि उसको कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है तो उसको ऑक्सीजन क्या है रिड्यूस हो रही है उसको नेबुलाइज करना चाहिए, ठीक है, 1 to 5 mL ऑफ वांटिन 1000 एड्रेनलिन विद कंटीन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग करनी चाहिए उसकी, ठीक है, द इफेक्ट मे वेयर ऑफ आफ्टर 20 मिनट्स बाद क्या है उसको मतलब कि नेबुलाइज भी करना चाहिए, उसको डोज गिवन करनी चाहिए 2 mg बिडोसोनाइड कैन आल्सो बी नेबुलाइज, जो हम नेबुलाइज करते हैं उसमें 2 mg ये वाली मेडिसिन डाली जाती है, लिक्विड टाइम में होती है ये, इट विल हैव अ लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट, इसका क्या लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, आगे वो नंबर दिया गया कि आप एमरजेंसी कॉल हम कर सकते हैं, ठीक है, इन केसेज वेयर देर इज सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन बट नो इमीडिएट थ्रेट टू लाइन एम्बुलेंस 2 mg ब्यूटोसोनाइड एंड गिव ऑरल डेक्सामेथासोन, ठीक है, ये मतलब वो आती है ऑरली ये मेडिसिन दी जाती है 1 to 2 years के बच्चे को, 1 month to 2 years के बच्चे को 150 microgram सिर्फ सिंगल डोज बच्चे को दी जाती है इसमें, ठीक है, मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ, ठीक है, उसमें क्या है मतलब बताया जाएगा कि कैसे कैसे बच्चे को क्या है मतलब कि थोड़ा मतलब कि एज के अकॉर्डिंग कैसे उसको देनी है, ठीक ठीक है, ये बताया गया है वेट एंड हाइट के अकॉर्डिंग बच्चे को कैसे मतलब किस किस मतलब जो हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बच्चे की कैसे कैसे उसकी एज दी गई है, ठीक है, फुल टर्म न्यूनेट 3.5 उसका वेट होना चाहिए एंड 51 क्या है उसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, जब बच्चे का बर्थ हुआ होता है 1 month का 4.3 वेट एंड हाइट 5.5, ठीक है, 2 month का 5.4 एंड हाइट 5.8, 3 month वेट 6.1 एंड 6.1 हाइट, 4 month की 6.7 वेट होना चाहिए एंड हाइट 6.3, 6 month की 7.6 एंड उसका वेट उसकी हाइट होनी चाहिए 6.7, ठीक है, सॉरी 6.3, 6 month का 7.6 एंड 6.7, 1 year 9.75, 3 years 14.96, 5 year 18.109, 7 year 2.3, 1.22, 10 years 3.9, 1.49, 14 years old boy 49163, 14 ईयर्स का ओल्ड मतलब बच्चा 50 एंड 159, अडल्ट मेल का 60 to 169, अडल्ट फीमेल का 58 to 164, ठीक है, ये उसकी वेट और हाइट के अकॉर्डिंग सारा है, ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है अनाफाइलेक्सिस गाइडलाइन बेस्ड ऑन द रिससिटेशन काउंसिल यूके गाइडलाइन कैन बी फाउंड, ठीक है, इसमें क्या है क्विक रेफरेंस क्या है इसमें रैपिड असेसमेंट की जाती है उसकी, जो भी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम ही है एयरवे लुक फॉर एंड रिलीव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, उसको जो भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ रही है उसको रिमूव किया जा सकता है, रिलीफ दे सकते हैं उसको, कॉल फॉर द हेल्प अर्लीफ साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ब्रीथिंग, लुक फॉर एंड ट्रीट ब्रोंकोस्पाज्म एंड साइन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सर्कुलेशन कलर पल्स एंड ब्लड प्रेशर, ये कुछ हमने चेक करना है, ठीक है, असेसमेंट कैसे करनी बच्चे की सर्कुल कलर पल्स ब्लड प्रेशर डिसबिलिटी क्या है असेस हुआ रिस्पॉन्ड और अनकॉन्शियसनेस उसको चेक करना है, एक्सपोजर में क्या है असेस स्किन को असेस करना है कि क्या कलरनेशन है एंड जो मतलब वाइड एक्सेस हीट लॉस है उसको क्या है अवॉइड करना है, नेक्स्ट क्या है कंसीडर एनाफिलैक्सिस वन कंपेटेबल हिस्ट्री ऑफ द रैपिड ऑनसेट सीवियर एलर्जिक टाइप रिएक्शन देखना है कि उसको कोई एलर्जी टाइप रिएक्शन तो नहीं हुई है उसकी विद रेस्पिरेटरी जब उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या है कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है एंड ऑफ द हाइपरटेंशन स्पेशली हाइपरटेंशन का मतलब होता है लो बीपी स्पेशली इफ स्किन चेंज इज प्रेजेंट, ठीक है, नेक्स्ट गिव हाई फ्लो ऑक्सीजन उसको देनी है मास्क को यूज़ करना है, ठीक है, एंड उसको क्या है 10 liters देना है पर मिनट टू प्रिवेंट रिवरियर कोलैप्स, ठीक है, लाई पेशेंट फ्लैट उसको बिल्कुल एंड फ्लैट लेटा देना है, रेजा लेग्स उसकी लेग्स को लीड कर सकते हैं अडर्लिन IM, ठीक है, अडर्लिन मेडिसिन है जो मतलब के इंजेक्शन बच्चे को दिया जाता है IM मतलब होता है इंट्रामस्कुलर इन अटीरोलेटर एस्पेक्ट ऑफ द मिडल थर्ड ऑफ द एज सेफ इजी एंड इफेक्टिव होता है ये, ठीक है, चाइल्ड को IM डोज देनी है इक्वल एंड वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, ये वही अडर्लिन की बात की गई है एंड अगर 12 ईयर्स का बच्चा है तो हम उसको 500 microgram दे सकते हैं IM 0.4 ml सेम एज अडल्ट डोज एंड 300 microgram, ठीक है, एंड 0.3 ml इफ चाइल्ड इज स्मॉलर प्यूबर्टल 6 to 10 ईयर्स में 300 micro
एंड मोर देन सिक्स लेस देन सिक्स में क्या है 150 माइक्रोग्राम। नोट हाफ डोज ऑफ द डलिन मे बी सेफ फॉर द पेशेंट नोट एंटी ट्रिप्ट टाइलिन इम्प्रामाइन मायो और बीटा ब्लॉकर मैं स्किल से एडिक्वेट अवेलेबल एस्टेब्लिश एयर वे इन द एनफाइलेक्सिस एबल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम टिश्यू स्वेलिंग डिफिकल्ट टू ओवरकम एंड अर्ली ट्यूबरेशन फॉर नीड्रे। ठीक है, बच्चे को क्या है अगर उसको एयरवे की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको क्या है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, तो जैसे मतलब कि कई बार होता है जो टिश्यू होते हैं बॉडी के उसमें स्वेलिंग आ जाती है और उसको क्या है मतलब ऑक्सीजन की नीड होती है। आईवी फ्लू चैलेंज, आईवी फ्लू मतलब जो हम ड्रिप लगाते हैं उसको बोलते हैं। इंसर्ट वन और मोर लार्ज बोन इंटरमस्कुलर कैनुला इंसर्ट करना है पहले, ठीक है, फिर उसको क्या है अगर यूज इंट्रोसिस असेस इन द चिल्ड्रन में इंटरवेंस असेस इज डिफिकल्ट गिव अ रैपिड फ्लू चैलेंज फॉर चिल्ड्रन गिव 20 ml उसको दे सकते हैं पर के जी के हिसाब से एंड क्लोराफिनामाइन आफ्टर इनिशिएशन डोज देते हैं डिपेंड ऑन एज, एज लिखी हुई है ठीक है, एंड उसके केस के अकॉर्डिंग कैसे है। सबसे पहले है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटर देन 12 ईयर्स एंड अंडर 10 mg IM और IV, IV मतलब इंट्रावेस्कुलर एंड IM इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर ठीक है, इंट्रामस्कुलर का मतलब कि हम उसको बटक्स में वो इंजेक्शन दे सकते हैं मस्कुलर मसल्स में एंड IV मतलब उसको वेन के थ्रू दे सकते हैं इंट्रावीनस ठीक है, एंड ग्रेटर देन 6 to 12 ईयर्स में 5 mg IM और IV स्लोली देना होता है ठीक है, एंड ग्रेटर देन 6 months 6 ईयर 255 mg और IV दोनों दे सकते हैं, एंड लेस देन 6 months जो होता है 250 माइक्रोग्राम्स को देना पर के जी एंड IM और IV स्लोली हम दे सकते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन में क्या है आफ्टर इन सिचु रेसिटेशन डोज डिपेंड ऑन द एज, जैसे हम ग्रेटर देन 12 ईयर्स एडल्ट में 200 mg दे सकते हैं IM और IV एंड ग्रेटर देन 6 to 12 ईयर्स में 10 mg IV स्लोली दे सकते हैं, एंड ग्रेटर देन 6 months में 6 ईयर्स का जो बच्चा है वो 2 6 ईयर्स से 50 mg IM IV स्लोली दे सकते हैं, एंड लेस देन हम 6 months से 25 mg और IV स्लोली मॉनिटर करनी है उसकी पल्स रेट ऑक्सीमीट्री ठीक है, ECG कर सकते हैं जो कि हार्ट की ECG होती है मतलब कि हार्ट रेट का पता लगता है, ब्लड प्रेशर उसका चेक करना है ठीक है, इसमें ये आ गया। एंड उसके बाद क्या है फिटिंग एड मेयर्स, फर्स्ट एड मेयर्स हम बच्चे को कैसे देंगे, मेक श्योर द चाइल्ड इज़ द सेफ पोजीशन लाइंग इन द रिकवरी पोजीशन ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि बच्चे को क्या है एक सेफ पोजीशन करनी है ठीक है सीधे एंड लाइंग इन द रिकवरी पोजीशन ठीक है, बच्चे को ऐसी पोजीशन देनी है कि बच्चा क्या है वो इजिली रिकवर कर पाए अवे फ्रॉम द पोटेशियम डेंजरस ऑब्जेक्ट, जो हॉस्पिटल में जा हम घर पर उसको अच्छी पोजीशन देंगे, जैसे अगर पास में कोई भी डेंजरस सब्जेक्ट अगर उसको क्या है रिमूव आउट करना है, डोंट ट्राई टू ओपन द माउथ ठीक है, बच्चे के मतलब कि ओपन को माउथ नहीं करना है सॉरी माउथ को ओपन नहीं करना है ठीक है, मेक अ नोट ऑफ द टाइम ठीक है, टाइमिंग बिल्कुल हमने क्या है चेकलिस्ट एक रेडी करनी है जिसमें क्या है टाइम वगैरह नोट करना है, इफ़ द सीजर्स कंटिन्यू अगर बच्चे को मतलब कि सीजर्स की प्रॉब्लम आ रही है तो बियॉन्ड 4 to 5 months कॉल फॉर द तो हम क्या है एमरजेंसी कॉल वगैरह कर सकते हैं ठीक है, एम्बुलेंस ongoing management in the clinical area if oxygen straight away insert oral way if you know how to do this ठीक है, first of all क्या है बच्चे को क्या है first of all तो हम उसको एक position मतलब देंगे बच्चे को straight way में और उसको क्या है oxygen straight way में हम apply कर सकते हैं अगर मतलब हमें उसकी knowledge हो घर पर ठीक है, सबसे पहले क्या है check the blood glucose level बच्चे का check करना है sugar level जिसको हम बोलते हैं ठीक है, next of all क्या है try recall diazepam देनी है बच्चे को ठीक है, एंड इसमें क्या है कि बच्चे को जैसे हम बोल सकते हो कि longer than 15 मिनट है उसका ठीक है, उसमें क्या है उसको डाइजेपाम दी जा सकती है इसका ठीक है, इरेक्टेड डाइजेपाम डज इफ फेबर कंफ्यूज लास्ट longer than 15 मिनट, बच्चे को जो हम डाइजेपाम डोज देते हैं उसके बारे में बताया गया, न्यूनेट को क्या है 1.25 to 2.5 mg दे सकते हैं, 1 month to 2 years में 5 mg, 2 to 12 years में 5 to 10 mg एंड 12 to 18 years में 10 mg बच्चे को हम दे सकते हैं ठीक है, ठीक है डाइजेपाम क्या है मतलब क्या यूज़ क्यों यूज़ किया था इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये एक एनजाइटी जैसे कि बच्चे को काम करने के लिए होती है ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो थोड़ी सी स्लीपिंग पिल हो गई ठीक है, अब इसमें क्या है कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ द हेड इंजरी द कोज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सीजर्स इफ सीजर फॉरवर्ड हेड इंजरी सिटी स्कैन इज इंडिकेट, अगर बच्चे को कोई जैसे बोल सकते हो सीजर प्रॉब्लम हो गई है जो कुछ ऐसे मतलब हेड इंजरी वगैरह होती थी तो उसको हमें स्कैन सिटी स्कैन करवानी चाहिए, हाइपोग्लाइसीमिया मे बी द कोज ऑफ सीजर
एंड पर्टिकुलर इन द यंग चाइल्ड बट मे ऑल्सो राइज अप रिजल्ट ऑफ द प्रोलॉन्ग मसल एक्टिविटी ऑफ द सीजन इटसेल्फ। इसमें क्या है, ये क्या है, बच्चे को क्या है, मतलब जैसे हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड जो ब्लड शुगर लेवल है, मतलब कि जो मतलब कि उसमें क्या है, जो नॉर्मल वैल्यू है उससे डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज मतलब कम हो जाना, ठीक है, जिसे शुगर बोलते हैं ना, शुगर घट गई वो, ठीक है, उसकी वजह से क्या सीजर हो जाती है बच्चे को। एंड मे ऑल्सो बी राइज रिजल्ट ऑफ द प्रोलॉन्ग मसल एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन में क्या है, डिहाइड्रेशन मतलब ना मतलब कि पानी की कमी हो जाना। बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन कैन बिकम डिहाइड्रेटेड वेरी क्विकली। वॉरिंग फीचर इन द हिस्ट्री वुड बी वेट हैप्पी वेट नैपी फॉर 12 आवर्स। एंड इसमें क्या है कि बच्चा क्या है उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है पानी की, को बार बार क्या सुसु करता है। पेरेंट मेन आर रिसेंट वेट विच कैन बी यूज इन द सेसिंग पोटेशियम फ्लूड लॉस। फ्लूड लॉस की वजह से मैं वेट में भी मतलब फ़र्क पड़ता है। लिथार्जी एंड ड्रॉजीनेस आर वॉरिंग फीचर्स, ठीक है। उसमें क्या है लिथार्जिकपन आ जाता है, ड्रॉजीनेस आ जाती है, इससे क्या है वो एक वॉरिंग फीचर हो जाता है, टेंशन लेने वाली बात हो जाती है। इन मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन द ऑफन सकन आइस एंड द फाउंटेनली, ठीक है। बच्चा जो ज़्यादा ही उसको डिहाइड्रेशन हो उसमें क्या सकन आइस मतलब कि उसकी आइज़ जो है ड्राई ड्राई सी हो जाती हैं छोटी सी, एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है लिप्स और टंग की वो भी बिल्कुल ड्राई होती है, जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है और रेस्पिरेट भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। द स्किन में आल्सो स्टे एलिवेटेड फॉर लॉन्गर टाइम वन सेकेंड एंड पिंच्ड ओवर एन एरिया सच द एब्डोमेन, ठीक है, पिंचपन से एब्डोमेन के पास होने शुरू हो जाते हैं। चिल्ड्रन हु आर नॉट एबल टू टॉलरेट ऑरल फ्लूड हु हैव मॉडरेट सीवियर हाइड्रेशन नीड रेफर हॉस्पिटल। अब इसमें यह कि जब उस ज़्यादा डिहाइड्रेशन तो उसको हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, ये था आपका टॉपिक, ठीक है। हाफ हमने परसों कल किया था, हाफ हमने ये कम्प्लीट हो गया टॉपिक आपका, ठीक है।